हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो कल हमने 400 के रिपीट में ये वाली डिजाइन बनाई थी, तो आज इस डिजाइन का पंचिंग करेंगे जो कि कोडिंग की डिजाइन है। तो चलिए पंचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका पंचिंग यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट पंचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, यहाँ से देखिए एच करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करके हमें यहाँ पे रख देना है। इसके बाद देखिए मैं होम प्रेस करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले अंडर वाले को करना है एक्सवी, यहाँ से इसको करेंगे एक्सवी और एक बार दिशा चेक कर लेते हैं कौन सी भी दिशा हो। देखिए यहाँ से ये वाली दिशा है तो ये गलत दिशा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से इसको, चलो अंडर वाले को भी इस बार बैकट्रैक करके देखते हैं। बैकट्रैक इसको हटाएंगे, इसको करेंगे डिलीट। अभी अभी देखते हैं दिशा, देखिए ये कम्प्लीट है, ये कम्प्लीट है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट को यहाँ पे रखना है और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट को हमें यहाँ पे रखना है। फिर एक्स वी, फिर यहाँ से एक्स वी, खाली हमको दिशा ही चेक करनी है, ये गलत दिशा है अंडर वाली। इसको बैक ट्रैक करेंगे, इसको अंडर से वाले को डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको इसका पंचिंग कर देते हैं, एच प्रेस करते हैं। तो देखिए इसका स्टार्ट यहाँ स्टार्ट एंड पॉइंट में यहाँ पे रखता हूँ और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद इसको एक्स पी, इसको एक्स पी, एक बार दिशा चेक कर लेते हैं। तो देखिए अंडर वाले ही दिशा गलत है, यहाँ से इसको बैक ट्रैक करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। देखिए यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये कम्प्लीट है, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ से इसको एक्स पी, यहाँ से इसको एक्स पी, एक बार दिशा चेक कर लेते हैं। तो ये दिशा गलत है, नहीं दिशा मेरे को कंप्लीट लग रही है, दिशा कंप्लीट है इसकी और ये बाहर वाले की दिशा गलत है। तो इसको बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से ये हमारी दिशा कंप्लीट है। करेंगे देखिए, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और देखिए यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से इसको करेंगे एक्स वी और इसको यहाँ से कर देंगे एक्स वी। और देखिए एक बार हम इसकी दिशा भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में किस तरह से डिजाइन बनाई हुई है। तो देखिए यहाँ से देखिए एक बार इसकी दिशा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा बनता हुआ आएगा, देखिए यहाँ से ये दिशा बराबर है और ये दिशा गलत है बाहर की, तो इसको कर देंगे बैक ट्रैक, इसको हटाएंगे, नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये दिशा भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अभी आते हैं यहाँ पे मेन जगह पे, यहाँ से इसको एच करेंगे और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे लाएंगे और इसको करेंगे एक्स वी। देखिए अरे क्या हो गया, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये बराबर है दिशा। अभी हमें यहाँ से सब कुछ एक्स वी करते जाना है, एक्स वी। देखिए ये दिशा गलत है तो क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। देखिए ये कम्प्लीट है, ये कम्प्लीट है, नहीं मेरे ख्याल से गलत है ये, हाँ ये गलत है। देखिए यहाँ से ये दिशा गलत है पहली, यहाँ से इसको बैक ट्रैक करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। देखिए ये बराबर है दिशा, उसके बाद ये गलत है तो इसको बैक ट्रैक करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट। देखिए अभी कम्प्लीट है, ये कम्प्लीट है। अभी क्या कर सकते हैं, चलो बना कर मैन्युअली कर देते हैं फटाफट एक्स वी क्या टाइम करते रहे। तो ये बराबर है, बाहर वाली कम्प्लीट नहीं होगी, इसको कर देंगे बैक ट्रैक, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए अभी ये कम्प्लीट हो गई, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको एक्स वी। तो देखिए ये अंडर वाली भी तो कम्प्लीट होगी, बाहर वाली ही गलत है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे बैक ट्रैक, इसको हटाएंगे, फिर इसको कर देंगे डिलीट यहाँ से यहाँ। फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कर देंगे एक्स वी, इसको कर देंगे बैक ट्रैक, इसको हटा के नीचे वाले को डिलीट कर देंगे और फिर इसको कर देंगे एक्स वी। तो देखिए एक बार दिशा एक बार परफेक्टली चेक कर लेना है, कम्प्लीट है। अभी यहाँ पर आएंगे, इसको करेंगे एक्स वी, इसको करेंगे एक्स वी करके बैक ट्रैक बाजू पे हटाएंगे, नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। देखिए एक बार दिशा कंप्लीट है,
यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे एक्स पी, इसको करेंगे एक्स पी बैक ट्रैक, इसको हटाएंगे, देखिए यहाँ से ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। हाँ अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ से इसको एक्स पी, यहाँ से इसको एक्स पी, हाँ ये बराबर है। फिर यहाँ से ये गलत है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, हटा के इसको डिलीट कर देंगे। चलो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, फिर भी कर लेंगे यार, मेहनत करने से कहाँ हल करते हैं। यहाँ से इसको एक्स पी, यहाँ से इसको एक्स पी, ऐसा बोले तो इसकी दिशा गलत है, यहाँ से इसको बैकट्रैक करना पड़ेगा, हटाएंगे, इसको करेंगे डिलीट। तो देखिए अभी अभी मेरे ख्याल से सही है, ये बराबर है, ये बराबर, ये यहाँ से यहाँ निकल आया। उसके बाद देखिए इसको एक्स पी, यहाँ से इसको एक्स पी, देखिए यहाँ से ये दिशा, हाँ ये अंदर अंदर अंदर, अंदर वाली दिशा गलत है, बैकट्रैक करेंगे, इसको बाजू पर हटाएंगे, नीचे वाले को कर देंगे डिलीट। ये देखिए यहाँ से ये, फिर ये यहाँ से इधर निकल आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से देखिए ये वाला, तो ये वाला भी हमें पंचिंग करना है, एच प्रेस करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रखना है। उसके बाद एच प्रेस करेंगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रखना है। इसके बाद इसको एक्स पी, इसके बाद इसको एक्स पी, एक बार दिशा चेक कर लेते, ये बराबर है, बाहर वाली गलत है, बाहर वाली हमेशा गलत ही होता है, तो बाहर वाली के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ये बराबर है, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा, एक्स पी, एक्स पी लास्ट स्टॉप नहीं, मतलब यहाँ से कॉपी हो जाएगी, ये बराबर है, ये गलत है। तो यहाँ से इसको बैक ट्रैक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, देखिए अभी ये हमारा कंप्लीट है। तो देखिए अभी यहाँ से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर अभी यहाँ पे आएंगे, अभी तो बहुत सारा पंचिंग बाकी है, एक्स पी, एक्स पी। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सॉरी कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया ये कोडिंग के डिज़ाइन में पंचिंग के अंदर। मैं आपका वैसे नॉर्मली मैं बहुत सारे कॉमेंट का मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ कुछ कॉमेंट तो रह जाती है, तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब देने की पूरे पूरी मेरी तरफ से कोशिश करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे आए एक्स पी, देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटाएंगे, नीचे वाले को कर देंगे डिलीट। देखिए ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ से इसको करना पड़ेगा एक्स पी, एक्स पी, देखिए यहाँ से ये हो गया। इसके बाद इसको करेंगे बैक ट्रैक, इसको हटाएंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से ये फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ से इसको करेंगे एक्स पी, यहाँ से इसको करेंगे एक्स पी, देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये गलत है, इसको सिलेक्ट करके बैक ट्रैक कर देंगे, फिर यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से ये मेरा हो गया, उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ से एक्स पी, यहाँ से एक्स पी, देखिए यहाँ से ये एक्स पी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट भी नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर ही हुआ होगा, तो 10 मिनट के अंदर इतना पंचिंग तो बहुत बहुत बड़ी बात है गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं रिटर्न लेता हूँ मशीन को, वो क्यों लेता हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये वाला पंचिंग हमारा बाकी है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो इसको एक बार एक्स पी कर देंगे, देखिए इसका पंचिंग कैसे होगा, ये बराबर जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, उसके बाद देखिए यहाँ से, देखिए इसका पंचिंग भी हम इधर से ही कर देंगे, एच प्रेस करेंगे, यहाँ से एंटर, यहाँ से एंटर, फिर ये अंदर वाला, इसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट है, किधर भाग रहा है, एच प्रेस करेंगे, इसका भी स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। अभी अंदर वाले को इसको करेंगे एक्स पी, इसको करेंगे एक्स पी, एक बार दिशा चेक कर लेते हैं, ये अंडर वाली गलत है, तो यहाँ से मैं बैक ट्रैक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसका भी गलत है, तो इसको कर देंगे बैक ट्रैक,
इसको हटा के इसको कर देंगे डिलीट। देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो ये कंप्लीट है। उसके बाद देखिए यहाँ से जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो इसको कर देंगे एक्स भी, एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे एक्स भी। देखिए यहाँ से इस तरह से ये कलर दिशा जा रही है, तो इसको करेंगे बैक ट्रैक, इसको बाजू पे हटाएंगे और इसको कर देंगे डिलीट। देखिए फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद एच प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ से एंटर, इसको कर देंगे एक्स भी। देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे, एच प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, इसको कर देंगे एक्स भी। ये गलत हो रहा है तो इसको करेंगे बैक ट्रैक, इसको हटा के फिर नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एक्स भी। देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ, तो ये देखिए हमारा पंचिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ से कहीं पे भी नहीं अटक रहा, मतलब हमारा पंचिंग एकदम परफेक्ट है। अभी क्या करना है आपको, सी करना है और यहाँ से देखिए इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेना है। अभी क्या करेंगे, कंट्रोल डी इसके ऊपर रखेंगे, एक्रॉस लेफ्ट करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अभी क्या करना है, ये दो को मेरे को ग्रुप करना है कंट्रोल जी करके, फिर ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल जी और यहाँ से ये दोनों को कंट्रोल डी करके यहाँ से ले लेना है, इसको कर देंगे डिलीट। फिर इसको कंट्रोल यू और इसको कंट्रोल यू। देखिए यहाँ से अभी मैं निडल पॉइंट चालू करता हूँ, होम करता हूँ, तो देखिए अभी हमारा मशीन को लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे एक्स वी। एक्स वी, उसके बाद देखिए यहाँ से फिर हमारा मशीन आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आता है तो इसको कर देंगे एक्स वी। उसके बाद देखिए हमारा फिर हमारा मशीन आएगा यहाँ पे, यहाँ से इसको कर देंगे एक्स वी। तो देखिए ये हमारा कोडिंग का पंचिंग एकदम परफेक्ट हो गया है। मैं होम प्रेस करता हूँ एक बार और एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये कंप्लीट है, यहाँ से ये कंप्लीट, कहीं पे भी अटक नहीं रहा, मतलब ये कंप्लीट है। तो आज के वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।